हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जूही एंड आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। तो ईवीएस, जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट या यूपीटेट का पेपर वन जो होता है, यानी कि प्राइमरी क्लास 1 to 5 वाला जो पेपर होता है, उसमें आपका ईवीएस जो है 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपका जो पेडागॉजी होगा और 15 मार्क्स के आपके ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे। 15 मार्क्स की ईवीएस पेडागॉजी होती है और 15 मार्क्स के ईवीएस क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि EVS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। EVS का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल स्टडीज, और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है EVS। और EVS जो है आपका 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि EVS कौन से 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक है साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज, तो 2 सब्जेक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो एक एक करके हम इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैंने कलेक्ट किए हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है कि हम लोग एक एक टॉपिक उठा के उसको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करें। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो। मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि किसी हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों को किसी को दिक्कत ना हो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण है जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। जब अर्थक्वेक आता है तो कौन सी इंटेंसिटी की, किस तीव्रता से भूकंप आया हुआ है, वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, या तो आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसका आंसर जो है, मैं इस क्वेश्चन रब कर रही हूं एक बार, आप फिर से आप देख सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आई एम राइटिंग हियर, इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सिस्मोग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर जानते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका आंसर जो है मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन बींग में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, AB और O, जिसमें से O जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब सर्वदाता कहा जाता है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो केवल ब्लड ले सकता है और दे केवल AB को सकता है, तो वो होता है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि जो सर्वग्राही होता है, दैट इज AB, वो होता है ब्लड ग्रुप AB। तो इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस जान लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है, यानी कि जब दूध से दही बनाते हैं तो उस समय कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से दूध से वो दही बन जाता है। तो वो उसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर नंबर 3 इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क से कर्ड बनाने के काम आता है। जब हम लोग उसमें थोड़ी क्वांटिटी जब कर्ड की ऐड करते हैं मिल्क में, तो ये लैक्टोबैसिलस जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, इसी के थ्रू कर्ड बनता है, कर्ड फॉर्मेशन यानी कि दही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनियन पोटैटो एंड जिंजर आर। अनियन पोटैटो, इसकी हिंदी आप लोगों को पता होगी, अनियन यानी कि प्याज, पोटैटो आलू, एंड जिंजर इज अदरक। ये
प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं? वैसा तो आप जानते होंगे कि अनियन, पोटैटो या जिंजर हमेशा सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है। तो मिट्टी के अंदर का पार्ट आप लोगों को ये पता होगा कि रूट्स बोला जाता है, यानी कि जड़ होती है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे अनियन, पोटैटो और जिंजर जो होते हैं ये उनकी स्टेम होती है। ये भले ही सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन इनको रूट्स नहीं, इनको बोला जाता है स्टेम। बहुत डीप में हम इसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत डीप आपके EVS पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसका ये आप बस आंसर जान लीजिए कि अनियन, पोटैटो और जिंजर जो होते हैं दैट इज़ व्हाट स्टेम, दे आर नॉट रूट्स। रूट्स नहीं होते हैं क्योंकि रूट्स आपका, देखिए सॉइल के अंदर रूट्स होता है ये हम जानते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अनियन, पोटैटो और जिंजर क्या है, स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस होती क्या है ये जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे यानी कि पर्यावरण को, उसके टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, ना बहुत ठंडा होने देगा ना बहुत गर्म होने देगा। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो अर्थ का सरफेस है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो ग्रीन हाउस गैसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को या फिर हमारे अर्थ के सरफेस को, उसके टेम्परेचर, उसके तापमान को मेंटेन रखती हैं। तो वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो होती हैं आपकी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस है। और एक और गैस है मीथेन गैस। मीथेन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मीथेन गैस, मीथेन CH4 गैस, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है आपकी। और वाटर वेपर भी होता है, यानी कि जल वाष्प, ये भी, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो एग्जाम्स में आपका आता है ऐसे कि ग्रीन हाउस इसमें से कौन सी गैस है, तो ऑप्शन में आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से ये, या सभी। तो आपको क्या टिक करना होगा, ये सभी, क्योंकि ये सारी ही कौन सी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल आप लोग जानते हैं आगरा में जो आपका लोकेटेड है, तो ताजमहल की जो दीवारें हैं जो बिल्कुल येलो कलर का हो गया, बिल्कुल येलोइश हो गया है, तो उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ताजमहल के येलोइश होने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी उसकी गैस जिम्मेदार है? तो वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज, विच गैस इज अब्सॉर्ब्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में क्या होता है? लीव्स मेक देयर ओन फूड, जिसमें प्लांट जो हैं, प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं फूड बनाती हैं। तो उस केस में कौन सी गैस प्लांट्स अवशोषित करते हैं? अब्सॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना, तो कौन सी गैस प्लांट्स लेते हैं फूड बनाने के लिए? तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स हमें कौन सी गैस देते हैं फॉर सर्वाइवल? ऑक्सीजन गैस। और उसके बदले में वो कौन सी गैस अब्सॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है, CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग द फूड। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, कौन सी गैस अब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन देखिए, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विच वाइटामिन? सिट्रस फ्रूट में कौन सा वाइटामिन पाया जाता है? जो सिट्रस फ्रूट से जान लीजिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो सिट्रस फ्रूट्स कहे जाते हैं। जैसे आपका ऑरेंज हो गया, फिर लेमन हो गया, यानी कि संतरे, नींबू, ये सारे क्या हैं? खट्टे फल हैं। आंवला है, सबसे ज़्यादा उसमें वाइटामिन सी पाया जाता है। तो इन सारे फलों में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सिट्रस फ्रूट में याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी विटामिन होती है सिट्रस फ्रूट्स में? विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका जितने भी खट्टे फल हैं उसमें पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज? डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी।
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन क्या होता है? आयोडीन आयोडीन एक हमारा न्यूट्रिएंट है. न्यूट्रिएंट आयोडीन भी न्यूट्रिएंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है. तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ होती है? तो डेफिशिएंसी आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है. ग्वाइटर हिंदी में इसको घेंघा बोला जाता है. तो इसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर. ग्वाइटर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसका आंसर फॉर योर कन्वीनियंस. आंसर इज ग्वाइटर. ग्वाइटर इन हिंदी इट इज कॉल्ड घेंगा. नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन. लैक, लैक यानी कि कमी. तो कौन सी डिजीज, डिजीज यानी कि बीमारी, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जिन बच्चों में या फिर जिन लोगों में प्रोटीन्स की कमी होती है तो उन लोगों में कौन सी बीमारी पाई जाती, मतलब कौन सी बीमारी उन लोगों को होने का खतरा रहता है? तो ये जो थोड़ा नाम जो है इसका थोड़ा टिपिकल है, बट आप याद रख सकते हैं इसको. ऑप्शंस में आएगा तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, लेकिन इसको आपको रिवाइज भी करते रहना होगा. प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है क्वाशियर कोर. प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है क्वाशियर कोर. हिंदी, हिंदी में भी इसका सेम ही नेम है, कोई डिफरेंट नहीं है कि क्वाशियर कोर की कोई हिंदी है. तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियर कोर. नेक्स्ट है कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर. कैल्शियम जैसा कि आप लोगों को पता है कौन कौन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. कैल्शियम भी एक न्यूट्रिएंट है जिसको, जिसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को. तो कैल्शियम किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है हमारे बॉडी में? तो कैल्शियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ के लिए, टीथ के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए. जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कैल्शियम. और कैल्शियम टीथ्स के लिए भी, हमारे जो दांतों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम. तो दो चीज़ों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और कैल्शियम जो है मिल्क में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं किसमें किसमें कैल्शियम किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है. बोन्स के लिए और टीथ के लिए, उनकी मजबूती के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के कलेक्ट किए थे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चंस. तो इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा. और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से EVS के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही. थैंक यू सो मच.